अल्हम्दुलिल्लाह 1992 से आपका यह इदारा दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और कारी साहब ने महसूस किया कि सिर्फ दीनी तालीम ही काफी नहीं बल्कि इसके साथ सुकून की तालीम भी जरूरी है। चनाचे इदारा में सुकून की तालीम का बंदोबस्त भी किया गया और बाकायदा तौर पर क्लासेस का आगाज हुआ। अब मसला यह था कि बच्चों के इम्तिहान रजिस्टर्ड इदारे की तरफ से कबूल किए जाते हैं। जामिया फारूकिया वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत तो रजिस्टर्ड था लेकिन महकमा तालीम में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी। इसके लिए हम मुख्तलिफ इदारों से अपने बच्चों को इम्तहान दिलवाते थे और यह सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जब स्कूल का शुरू किया तो बच्चों की तादाद काफी बड़ी थी। जरूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम अपने इदारे को रजिस्टर करवाए महकमा तालीम। इसके लिए हमने गुज़श्ता साल महकमा तालीम को दरख्वास्त की और सुफा मॉडल स्कूल के नाम से हमने इदारा रजिस्टर करवा दिया और इस साल जो बच्चे हमारे इम्तिहान दे रहे हैं आठवीं नौवीं दसवीं के वो सुफा मॉडल स्कूल के तरफ से ही हैं और ये इदारा सुफा मॉडल स्कूल जो बच्चे जामिया फारूकिया में दीनी तालीम भी हासिल करना चाहते हैं कुरान पाक भी हिफ्ज करना चाहते हैं और स्कूल भी पढ़ना चाहते हैं स्कूल की तालीम भी वो जामिया में चाहते हैं और मदरसा की तालीम भी जामिया में चाहते हैं ये उनके लिए सुफा मॉडल स्कूल ये जामिया के जेर इंतजाम रहेगा। ये हम मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये हमने इसलिए रजिस्टर करवाया है ताकि हम दीगर स्कूलों और इदारों की मोहताजी से बचें। पहले हम कभी किसी स्कूल की तरफ से कभी किसी स्कूल की मदद करते हमारे बच्चों का इम्तिहान दे रहे हैं। ये हमने सुफा मॉडल स्कूल का जो उनवान है ये जामिया फारूकिया के जेर इंतजाम के पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो हिफ्ज भी करेंगे किताबें पढ़ेंगे तालीम हासिल करेंगे और वो स्कूल भी पढ़ेंगे। उनको सुफा मॉडल स्कूल की सूरत में हमने एक इदारा दे दिया। इसके अलावा हम ये चाहते हैं और वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के अकादरीन उनकी भी ये ख्वाहिश बल्कि हुक्म समझना चाहिए बुजुर्गों की ख्वाहिश को कि दीनी इदारों को अपने जेर साया ऐसे स्कूल और कॉलेज कायम करने चाहिए जिनमें दीनी माहौल में तालीम दी जाए और दीनी तरबियत और दीनी और नजरियाती तरबियत उन तलबा की हो। चुनाचे इलाका के मुअज्जिज़ीन दर्दे दिल रखने वाले हजरात बहुत सारे हमारे मुअज्जज़ और मोहतरम हजरात उनकी ये ख्वाहिश थी कि कारी साहेब आपके जेरे साया ऐसा इदारा होना चाहिए जिसमें स्कूल की तालीम सिर्फ स्कूल की तालीम हो और ऐसा माहौल हो जिसमें तलबा की नजरियाती फिक्री रूहानी तरबियत। चुनाचे इस मकसद के लिए हम इलाका के दर्द दिल रखने वाले हजरात की कोशिशों उनकी सरपरस्ती उनकी सरबराही में
एक अलग अदारा कायम कर रहे हैं। अभी उसका नाम रजिस्टर नहीं हुआ, जब होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और उस इदारे में अलग सिस्टम, अलग इंतजामिया, अलग निशान। मैंने पहले अर्ज किया कि जामिया फजलिया में सुफा मॉडल स्कूल के नाम से जो गवर्नमेंट का निशाब है वो पढ़ाया जाएगा। स्कूल का निशाब पंजाब का बुक बोर्ड का जो निशाब है वो जामिया फारूकिया में सुफा मॉडल स्कूल के नाम से पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आइंदा साल तक हम उसका इफ्तिताह करें। ये सात जो बिल्डिंग जेर तमीर है वो उसके लिए बनाई जा रही है और इंशाल्लाह उसमें आला तरीन याफ्ता असातिज़ा इकराम, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन डिसिप्लिन, बेहतरीन निजाम और बेहतरीन तालीमी नजरियाती फिक्री तरबियत, लेकिन इसके साथ माकूल फीस भी। ये सिस्टम अलग और इसके तहत फीस भी हो मुनासिब है। ये आप हजरात की राय भी चाहिए, सिर्फ स्कूल की तारीफ के लिए माकूल फीस के साथ इंशाल्लाह आइंदा साल तक हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि वो सिस्टम भी लॉन्च कर दिया जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाजत देता हूँ। वाकई दावाना अलहम्दुलिल्लाह।